नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, जब भी अपने देश में या फिर राज्य में लॉकडाउन लगता है तब सारी दुकानें लगभग बंद रहती है। इसमें इंपॉर्टेंट इसेंशियल सर्विसेज जो होती है वो खुली रहती है, जैसे किराना माल वाले, दूध वाले, सब्जी वाले, डॉक्टर्स या फिर मेडिकल दवाई की दुकानें, ये खुली रहती है, बाकी सब बंद रहता है। तो उसी के चलते एक पिटीशन दाखिल हुआ है बॉम्बे हाईकोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है मराठी प्रकाशक परिषद इनके तरफ से। इनका ऐसा कहना है कि किताबें जो है, बुक्स है, इसको भी इसेंशियल सर्विस माना जाए। इसेंशियल सर्विस एक्ट जो है उसका सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2(1)(a)(9) के अंडर किताबें जो है उसको भी इसेंशियल सर्विसेस में ऐड किया जाए। किताबें बेचना भी इसेंशियल सर्विस माना जाए, ऐसा पिटिशनर का कहना है। पिटिशनर ने ऐसा बोला है क्योंकि किताबें जो है ये एक इंटीग्रल पार्ट है, जिंदगी जीने के अधिकारों में आता है। आप अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो व्यक्त करते हो और आप आत्मसम्मान से जीना चाहते हो तो उसमें किताबें जो है उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। हम आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार, इनको ऑलरेडी नोटिस इशू किया है ये पिटीशन पे जवाब देने के लिए। ये पिटीशन में आगे ऐसा बोला है, जैसे महामारी आई थी तो बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो बंद हुए थे, सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज जो थी वो खुली थी, और उसमें पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो है उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफें हुई थी। जो किताबें बनाती है वो इंडस्ट्री है, प्रिंट करती है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफें हुई थी। तो उनका ऐसा कहना है कि अगर कोई किताबें पढ़ता है तो उसका स्ट्रेस जो होता है, उसके मन की जो चिंता होती है वो कम होती है, और जो उनके मन में जो भी प्रॉब्लम है वो कम होते रहते हैं, और मेंटल हेल्थ जो होती है वो अच्छे से डेवलप रहती है। हर किसी ने अगर किताबें पढ़ी तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, स्ट्रांग रहती है, टेंशन कम होते हैं। किताबें जो होती है अपने विचारों को फूड देते हैं, अन्न देते हैं, और अगर हमको, अगर अन्न को हम इसेंशियल एलिमेंट मानते हैं, जैसे हम किराना को इसेंशियल एलिमेंट मानते हैं, तो किताबें जो है ये मन का अन्न है, तो इसको भी इसेंशियल एलिमेंट मानना चाहिए, ऐसा इंपॉर्टेंट मुद्दा भी पिटीशन में बोला गया है। तो आगे उन्होंने ऐसा बोला कि हर कोई जो होता है वो लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन में चीज़ें नहीं पढ़ता है, किताबें जो होती है ये इंपॉर्टेंट माना जाता है, अब भी माना जाता है, ज्ञान के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर शिक्षा के लिए किताबें बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब भी लॉकडाउन तरीके की सिचुएशन आती है तब लोगों को मेंटल हेल्थ के इश्यू होते हैं, और ऐसे चीज़ों में लोग जो होते हैं उनको अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए उनको ज़रूरत होती है किताबों की। किताबें जो होती है उनकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि अगर लोग एंग्जाइटी में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, व्यथित रहेंगे, तो फिर किताबें जो है उनको सपोर्ट दे सकती है। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को भी गवर्नमेंट ने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सिर्फ फिजिकल हेल्थ वाली चीज़ें ही दुकानें खुली रहती है, लेकिन किताबों की दुकानें जो होती है वो बंद रहती है। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है दोनों का भी ध्यान रखना चाहिए। आगे उन्होंने अपने पिटीशन में बोला है कि कोर्ट जो है वो कंसीडर कर सकती है कि किताबें जो है ये इसेंशियल सर्विसेज है, क्योंकि किताबें जो होती है वही इंसान को जिंदगी जीने का अधिकार देती है और अपने जो विचार है व्यक्त करने का स्वतंत्र देती है, और इसी के चलते इंसान अपनी क्वालिटी जिंदगी बिता सकते हैं। उन्होंने रेफरेंस भी दिया है अपने पिटीशन में, उन्होंने अमेरिका का रेफरेंस दिया है, वहाँ पे ऐसा माना गया है कि बुक्स आर इसेंशियल, ऐसा कैंपेन अमेरिका में रन हो रहा है। तो खाना पीना के साथ साथ मेंटल हेल्थ है उसके लिए भी किताबों की बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा ये जो पिटीशन है इसमें सामने आ रहा है। गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑलरेडी नोटिस भेजा है, और ये केस की अगली सुनवाई हो सकती है 4 अक्टूबर के दरमियान लगभग। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।